नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो कोठियाल में। तो दोस्तों, ओप्पो बहुत ही जल्दी अपना फाइंड एक्स 2 प्रो को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, तो आप वेट करिए इस फ़ोन का और मैं आपको इसके फ़ीचर बताता हूँ कैसा रहेगा ये फ़ोन और क्या क्या फ़ीचर आपको इस फ़ोन में मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले क्वालिटी की। तो यहाँ पर 6.7 इंच की आपको डायगोनल ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 513 ppi डेंसिटीज की होगी और कोरिन गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन इस फोन में आपको देखने को मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में आपको मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, बिल्कुल कर्व डिस्प्ले, घूमी हुई डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है इस फोन में, तो काफ़ी स्मूथ आपका फोन काम करेगा, मतलब काफ़ी अच्छा आपकी टच क्वालिटी इस फोन में रहेगी। दोस्तों उसके कैमरे सेटअप की, तो आपको दो कैमरे 48 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। एक आपका 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक आपका वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है और एक आपका यहाँ पे कलर टेम्परेचर सेंसर भी इसमें दिया गया है दोस्तों, और उसके नीचे आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। तो कैमरे की बात करो तो ओप्पो काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी अपने फोन में लाता है, तो इस फोन में आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों इसके सेल्फी कैमरे की, तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर 2.4 होगा। AI ब्यूटिफिकेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, तो काफी अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। आपका डिस्प्ले में साइड में आपका सेल्फी कैमरा लगा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग की, तो आपको 4260 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस फोन में। 65 W का सुपर वूक 2.0 चार्जर इसमें होगा आपका, जो कि आपका 40% 10 मिनट में और 38 मिनट में आपका फुल चार्ज हो जाएगा ये फ़ोन। तो काफ़ी अच्छी बैटरी कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों, काफ़ी दमदार प्रोसेसर है आपका। बिल्कुल गेमिंग तो इतना स्मूथ चलेगी इस फ़ोन में कि आप बोल नहीं सकते दोस्तों, काफ़ी अच्छा गेमिंग फ़ोन इस बार ओप्पो का फाइंड एक्स होने वाला है। तो ये आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, एक ब्लैक और एक ऑरेंज, और ये 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज साथ होगा। तो काफी अच्छी बात है दोस्तों, काफी अच्छा स्टोरेज और रैम आपको देखने को मिल जा रही है दोस्तों इस फोन में। यहाँ पर अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो आपके दोनों सिम स्लॉट यहाँ पर 5G आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस फोन में मेमोरी कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी 512 GB की काफ़ी अच्छी आपको मेमोरी देखने को मिल जाती है। और इस फ़ोन की एक और खासियत है कि वाटर का और डस्ट का इस फोन में कोई भी असर नहीं होने वाला, एकदम वाटर प्रूफ फोन है आपका ये वाला। अब बात करता हूँ दोस्तों इस फोन की कनेक्टिविटी की, तो आपको यहाँ पे वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। BT वर्जन होगा इसमें, 5.1 का लेटेस्ट वर्जन है। USB इसमें टाइप सी होगी और एयरफोन जैक भी आपका टाइप सी के साथ काम करेगा, अलग से जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फोन में। और USB वर्जन आपका 3.1 है इसमें, NFC सपोर्टेड भी ये फ़ोन होगा। अगर मैं OS की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे कलर OS 7.1 मिल जाएगा, जो Android 10 पे सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा Android वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में, एकदम लेटेस्ट Android वर्जन देखने को मिल जाएगा। अब बात करता हूँ इसके प्राइस रेंज की, तो दोस्तों ये आपका 74,890 रुपये में लगभग लॉन्च होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, और मई 29 को हो सकता है ये लॉन्च हो, नहीं तो अगले महीने तो होना है इसने लॉन्च। तो प्राइस भी अच्छा है दोस्तों, इसको काफ़ी आईफोन को टक्कर देगा ये फ़ोन, तो आप इसे देख सकते हैं, जब आएगा आप इसे परचेज कर सकते हैं।